बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आज हमारी उर्दू की बुक का दूसरा लेक्चर है। हम यूनिट नंबर 4 पर की रीडिंग की कर चुके हैं। आज हम उसके अल्फाज मानी पढ़ेंगे। चलें अल्फाज मानी पढ़ना शुरू करें। ताकीद, ताकीद का मानी है ज़ोर दे कर कहना। ताकीद का मानी है ज़ोर दे कर कहना। नेक्स्ट लफ्ज़ है हमारा दिनार। दूसरा लफ्ज़ है दिनार, इसका मायनी है राख का सिक्का। लफ्ज़ है दिनार, मायनी है राख का सिक्का। तीसरा अल्फाज है हमारा अलविदा। तीसरा लफ्ज़ है अलविदा, रुख्सत करना। अलविदा, रुख्सत करना। चौथा अल्फाज है हमारा नसीहत, अच्छी बात बताना। चौथा लफ्ज़ है नसीहत, अच्छी बात बताना। पाँचवा लफ्ज़ है नाफरमानी, हुक्म ना मानना। पांचवा लफ्ज़ है हमारा नाफरमानी, हुक्म ना मानना। हमने ये अल्फाज पढ़े हैं, आपने इन अल्फाज को अपनी नोट का बुक पर लिखने हैं। इनकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है ताकि ये लेसन आपको अच्छी तरह अल्फाज में अच्छी तरह समझ में आ जाएँ और लिखना आ जाएँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।